हाय गाइस, होप यू ऑल आर वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं क्रश करने वाली हूँ वंश लोचन, और मैंने कल वीडियो अपलोड शायद नहीं की थी क्योंकि मैं कल अपने घर आई थी, इस वजह से मैं थोड़ा बिजी थी तो मैंने कल वीडियो नहीं डाल पाई। और मैंने सोचा भी था कि चलो रात में एक बार क्रंच करके वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी आप लोगों को, मतलब अपलोड करके प्राइवेट में करूँगी बट पब्लिक में रात में कर दूँगी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला तो फिर मैंने नहीं कर पाया क्योंकि कल घर आई थी तो थोड़ा सा पंचायती हो रही थी हमारे घर, थोड़ा सा डिस्कशन ये सब कुछ, तो इस वजह से हमने फिर वीडियो नहीं बना पाई। तो मैं अभी जो मैं वीडियो बना रही हूँ तो टाइम हुआ है 12:30, 12:30 हो गए हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है सच्ची में। आज तो धूप भी नहीं निकली बिल्कुल भी, और ठंडी ठंडी हवा आ रही है बहुत ज़्यादा क्योंकि मैं विंडो पर बना रही हूँ, बाहर का रूम है उस वजह से। मैंने ईयरफोन लगा लिया आज क्योंकि यहाँ पे शायद बाहर का भी शोर आ सकता है आपके पास, तो बैकग्राउंड जो नॉइज़ है इसको इग्नोर करना प्लीज़। और आप लोग कर सकते हैं यार, इतने अच्छे हो इसलिए, तो मुझे मालूम है कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। ये चलो क्रंच स्टार्ट करते हैं। मस्त एकदम।
एकदम मस्त था इसका टेस्ट। वैसे तो मैं यही खाती हूँ तो इसमें टेस्ट अच्छा ही आता है। ये जो ब्लू वाला पैकेट है इसका मेरे को सच में टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने एक बार वीडियो में बताया भी था, एक और आते हैं इसमें कई तरह के आते हैं बंसलोचन, जो मुझे ब्लू वाला पैकेट मिलता है ये 100 रुपीज़ का पड़ता है। इसका मेरे को टेस्ट अच्छा लगता है, बाकी का मैं ऐसा मुझे लगता है कि फ्लेवर शायद अजीब सा आता है। अगर मैं इस बार मैं लेके अगर आऊँगी तो फिर मैं आपको उसका व्यू दूँगी, रिव्यू नॉट व्यू, सॉरी। इसमें जो वाइट कलर का एकदम से प्योर वाइट होता है ना उस, वो थोड़ा सा हार्ड होता है और बाकी का तो सॉफ्ट होता है। मतलब मुंह में डालो एकदम वाइट, पहले तो क्रंची क्रंची, ये तो लास्ट बाइट तक क्रंची ही रहता है जब तक आप इसको आई मीन स्वेलो मत कर लो, ये क्रंची ही रहने वाला है मुंह में। जब भी अगर आपके मुंह में ऐसे करके निकालोगे ना तो ये क्रंची ही रहता है, इसमें लास्ट बाइट तक क्रंच रहेगा वंस लोशन में। मुझे ये सच में बहुत अच्छा लगता है यार, मैं इसको दिन भर खा सकती हूँ लेकिन मैं नहीं खाती हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ लिमिट से ज़्यादा करो तो फिर उसके साइड इफ़ेक्ट होने ही होते हैं। इस वजह से थोड़ा लिमिट में खाती हूँ और कुछ नहीं। पहले जब मैं ऑफलाइन खाती थी तो मैं जैसे गेम खेल रही हूँ फ़ोन में तो मैं कंटिन्यू मतलब इसको साइड में रख लेती थी और क्रंच करती रहती थी करती रहती थी करती रहती थी और इसको खाती रहती थी। ख़त्म हुआ फिर से निकाल दिया, ख़त्म हुआ फिर से निकाल दिया, ये करती थी। लेकिन अब मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तभी खाती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं खाती हूँ। थोड़ा थोड़ा कभी कभी खा लेती हूँ, जैसे वीडियो अगर नहीं बना पा रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं इसको बिना खाए तो रह नहीं सकती, इस वजह से मैं ऑफलाइन क्रंच कर लेती हूँ, जो कि मैंने रात में भी किया था लेकिन मैंने वीडियो नहीं बना पाया उसके लिए सॉरी। ओके, तो एक जन ने बोला था आप नहीं बताते हो कि ये कैसा लगता है खाने में या टेस्ट वगैरह कुछ नहीं बताते हो, तो इसका टेस्ट सच में बहुत अच्छा लगता है। आप लोग जब जैसे जो नहीं खाता है अगर वो ट्राई करना चाहे तो आपको पहले जब स्टार्टिंग में आप खाएंगे तो शायद अच्छा ना लगे, क्योंकि मेरे साथ यही हुआ था। मुझे स्टार्टिंग में नहीं अच्छा लगा था, जब मैंने एक बार इसका किसी ने मेरे को दिया था तो मैंने इतना सा खाया था, इतना घटिया लगा था मेरे को, मतलब मैंने निकाल दिया मुँह से और फिर मैंने कहा ये कभी नहीं खाने वाली, इसका घटिया सा टेस्ट एकदम से मुझे ये लगा था सैंड की तरह। उसके बाद फिर मैंने इसको जब क्रंच किया तो फिर मुझे पता नहीं कैसे अच्छा लगने लगा, अब तो मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है और इसका टेस्ट सच में बहुत अच्छा लगता है। ये थोड़ा सा क्रंच 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 जैसा होता है और मतलब कि इसका कैसे एक्सप्लेन करूँ, ये तो खाने के बाद ही पता चलेगा, आप लोग टेस्ट करके देखिएगा फिर बताना कैसा लगता है, ठीक है? कमेंट में कमेंट करना। ओके, बाय गाइस, टेक केयर एवरीवन, बाय।